कर्नाटक के जीत पर जश्न मनाया जा रहा है, गांधी भवन में क्या कहेंगे भाई? सबसे पहले कर्नाटक की जनता को औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। हमारे नेता खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महाराष्ट्र के नेता नाना पटोले, इन सबको शहर की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। जनता ने नफरत को हरा दिया है और मोहब्बत को जिताया है। कर्नाटक के जो इलेक्शन हुए हैं, जो भाजपा ने नफरत की राजनीति खोली थी, उसलिए मोहब्बत की दुकान ने जिता दिया है। लोगों ने बता दिया है कि नफरत की राजनीति नहीं चलती। आने वाला 2024 भाजपा के लिए सबक सीखने के जैसा है, क्योंकि इस देश में जो महंगाई हो गई है, जो बेरोजगारी हो गई, जो भ्रष्टाचार किया भाजपा ने, काफी लोग इससे परेशान है, आम आदमी परेशान है, जनता परेशान है। इसलिए कर्नाटक की जनता का मैं तय दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं उन्हें, एक तानाशाही सरकार को, भाजपा जैसी सरकार को, जो पैसे के दम पे कुछ भी राजनीति कर रही है, किसी को भी डरा रही है, उसे नीचे उतारा है। मैं उनका शहर की तरफ से, पूरे हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से उनका मुबारकबाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। सर, कर्नाटक की जीत के बाद इसका प्रभाव महाराष्ट्र पे कितना पड़ेगा? 100% महाराष्ट्र पे इसका प्रभाव पहले से ही पड़ गया है। कस्बा का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस ने जीता है। यहाँ पे जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई, शिक्षक मतदारसंघ हुआ, पदवीधर हुआ, ये भी सब कांग्रेस ने जीता है। दक्षिण भारत में बीजेपी के दरवाजे बंद बंद तुम्हारा पूरे देश से बीजेपी के दरवाजे बंद होने वाले है। 13 मई भाजप गई। देखिए, कांग्रेस बहुत काफी शहर में यहाँ पर काफी मजबूती से लोगों के प्रश्न उठा रही है, लोगों के लिए रस्ते पे है, हर मुद्दे कांग्रेस यहाँ पर शहर में उठा रही है। और कांग्रेस पूरी जनता सब जान चुके हैं कि कौन किस तरीके से काम करता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे समाज को लेकर चलती है। हर जाति धर्म के लोग इस पार्टी में है, हर भाषा बोलने वाले लोग इस पार्टी में है, और कांग्रेस विकास का राजकारण करती है, नफरत का राजकारण नहीं करती है। कर्नाटक च्या जनतेचे आभार कसे व्यक्त कराल तुम्ही? मी अगोदर सांगितले की कर्नाटक च्या जनतेचे शहर जिल्हा कांग्रेस कमिटी तर्फे और आमच्या सगळे पदाधिकारी तर्फे मी त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो। सर, जब कर्नाटक में चुनाव चल रहा था, पूरे देश ने देखा, अल्लाहू अकबर का नारा भी गूंजा, क्या परिणाम आए, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बजरंग बली तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली, और अल्लाह अकबर पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा जो है इस तरीके के वातावरण खराब करती है इस देश में। आपने देख लिया कर्नाटक के रिजल्ट के ऊपर, लोग जो चाहते है मोहब्बत चाहते है, प्यार चाहते है, अमन चाहते है, भाईचारा चाहते है। आज खुशी का मोड़ जरा जोर से बोलिए। महिलाओं में क्या वातावरण है जीत पर, क्या आत्मविश्वास है आपका? आपकी बार मोदी सरकार का नारा लगाने वाले जो लगा के आए हैं, झूठी सरकार 2024 में इस भारत देश में आई, और बहुत सारे उन्होंने हम भारतीय भाई और बहनों तरीके से आश्वासन दिए, आर्थिक आश्वासन दिए, अनेक प्रकार के आश्वासन दिए, लेकिन वो कोई तय कर नहीं पाई, वो अपने कमिटमेंट पे खरी नहीं उतर पाई। आपने आज देखा है, इसके पहले भी देखा है, आज कर्नाटक की बहुमत से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। ये जो विजय है, ये भारतीय संविधान की है, लोकतंत्र की है। कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी को अपनी जगह दिखा दी है, और मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आने वाले प्रत्येक इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में उनकी जगह दिखाएगी। क्या कहेंगे कर्नाटक की जीत पर? आपकी बहुत सारी मेहनतें लगी है वहाँ पर, तो क्या नतीजे निकले है आपके? मैं इस मुल्क की तमाम जनता को और खास तौर पर कर्नाटक की जितनी जो भी आवाम है हमारी, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। जब इससे पहले आपने मुझे पूछा था, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे,
उस वक्त मैंने आपको कहा था कि हम पूर्ण बहुमत वाली सरकार वहां पर बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस अपने बलबूते पे वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी और कांग्रेस का वहां पर सरकार पूरी 5 साल चलने वाली रहेगी। तो आज वो चीज सही साबित हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, देश के नेता और हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी गांधी, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी, श्रीमती प्रियंका जी गांधी, वहाँ के जो हमारे नेता है वहाँ के अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर सिद्धरमैया जी, इन तमाम लोगों ने वहाँ पर मेहनत की और एक जान होकर मेहनत की और इस मुल्क को दिखा दिया कि कांग्रेस क्या कर सकती है और आवाम के लिए कांग्रेस क्या करने जा रही है। वहाँ पर आज इस मुल्क में अगर आप देखेंगे, दो लोगों की सरकार दो लोगों के लिए जो चल रही है, जिसमें शाह और तानाशाह दोनों मिलकर ये इस मुल्क में सरकार चला रहे हैं और कर्नाटक में इन्हीं की सरकार थी जो कि 40% उनका परसेंटेज हुआ करता था कोई भी कामों में। तो वहाँ की जनता ने, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोगों ने उन लोगों को इस वक्त उखाड़ फेंका और 40% कैसा रहता उसका आज वहाँ पर उन्होंने उस नतीजा दिया और वहाँ के जो बेरोजगार है, नवयुवक है, जो महिलाएं हैं और ख़ास तौर पर किसी विशिष्ट वर्ग को वहाँ पर जो प्रताड़ित किया जा रहा पिछले 3.5-4 साल से, तो वो तमाम लोगों ने आज ये साबित कर दिखा दिया कि हम इस मुल्क को संवारने का काम करते हैं, इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने का काम हम करते हैं और आने वाले वक्त में 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उन इलेक्शनों में भी कर्नाटक एक मॉडल रहेगा और इस देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आपको 2024 में दिखने मिलेगी और इस मुल्क से बेरोजगारी और विशिष्ट वर्ग, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज जो है, इनको जो प्रताड़ित करने का काम पूरे मुल्क भर में किया जा रहा है, वो सब चीजें 2024 के बाद इस मुल्क में आपको नजर नहीं आएंगी। आज कर्नाटक राज्यामध्ये ते मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाला यश मिळत आहे हे दाखवून देऊ लागलेलं आहे की देशभरामध्ये भाजपने गेल्या 10 वर्षांमध्ये जो कष्टकऱ्यावर, गोरगरीबावर, शेतकऱ्यांवर, व्यापाऱ्यांवर जो अन्याय केला त्याचीच ही नांदी आहे आणि आता या सरकारला सगळे कंटाळलेले आहे। या राज्याने आता दिशा दाखवून दिलेली आहे, निश्चितपणे याचे पडसाद देशभरात उमटेल आणि देशभरामध्ये काँग्रेसचं राज्य येईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। कर्नाटकाच्या यांनी काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये एक मोठं बळ आलेलं आहे आणि निश्चितपणे पुढे चालून महाराष्ट्र राज्यात असेल किंवा दुसऱ्या राज्यात। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।